हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ फूड हिंदुस्तानी। तो आज हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर बहुत वायरल मोमो मिलता है, तो वो हम लोग आज आके टेस्ट करेंगे और खा के आपको बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है एंड प्राइस क्या है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और आज का एपिसोड पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रहा आज का स्पॉट। ये आपका हरिदेपुर में है टेस्टी टाउन फ्यूजन मोमो। तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं। गाइस, ये रहा यहाँ का मेन्यू। तो गाइस, अभी बन रहा है बारबेक्यू मोमो। तो क्या टेस्टी लग रहा है देखिए, अभी से इतना अच्छा डीप फ्राई है। কি এখানে পপুলার আছে এখানে চিজ বাসটা বেশি আছে, চিজ বাস, মালাই, আফগানি। তো আমার পাশে ম্যাডাম সেন্টাই শপ আছে, তো ওর সাথে থোড়া বাতচিত করেন আমরা আর আপকো বতাएंगे কি মোমো কে কে হ্যাঁ মিলতা হ্যায় প্রাইস কে হ্যায়। তো ইয়াহ পর কোন কোন সা মোমো জ্যাদা চলতা হ্যায়? চিজ বাস মোমো চলতা হ্যায়, মালাই মোমো চলতা হ্যায়, আফগানি মোমো চলতা হ্যায়, कबीरा जी मोमोटा अभी ट्रेंडिंग में है, वो चल रहा है। बहुत तरह का फ्यूजन है। प्राइस क्या था यहाँ? प्राइस स्टार्टिंग है 60 रुपीज से और एंड है 140। टाइमिंग है 6 बजे से रात को 11 बजे तक। और अभी एड्रेस बता, एड्रेस है अगर कोई मेट्रो से आएगा कुटघाट नेताजी मेट्रो स्टेशन के उत्तर के डेफोडिल अपार्टमेंट के ठीक ऑपोजिट में, और सामने बंधन बैंक भी है उसके ऑपोजिट। और कुछ ऑफर? और ऑफर अभी चल रहा है 300 रुपए का मोमो लेने से एक पार्सल का थम्स अप फ्री है। तो गाइस, अभी मलाई मोमो बन रहा है। তারপরে ওড়ি গেল। তারপরে সামান্য পাট্টা আছে হালকা। ये सब कुछ व्यापार का हल्का टॉस हो चुका है, तो मिक्स करे नहीं पता चला। सुंदर भाव मिक्स करा हुआ है, अलग का ऑटोमेटिक चेंज हो गया शायद। देन मोमो देने दे गया हलो, जेटा ऑलरेडी फ्राई करा चला था उन्हें के रखा ला, ये वाला व्यापार का मिक्स हो चुका है और हाथेर खेला बाप रे बाप। मैं खेलते खेलते पूरा व्यापार का जोनी दिए चे एक दूसरे बीच जा अच्छी मैं टैक्टिक्स। वाह दारुण পুরো নাচছে। আচ্ছা, তারপরে দেওয়া হলো পিজা চিজ, গ্রেট করা চিজ। বাহ, তারপরে আবার নাচানো হচ্ছে মানে হাতের ভেলকি আর দেখে আর আমরা মানে মোটামুটি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। তোমরা হয়ে না, তোমরা দেখতে থাকো। तैयार हो गया मलाई मोमो। तो इसका प्राइस है 110 ना, 110 रुपया। और ये अभी जस्ट कुक किया गया आपके सामने, देखिए कितना कितना शानदार लग रहा है ये। तो गाइस, ये होने वाला है अभी चीज बस्ट मोमो। तो प्रिपरेशन अभी हो रहा है, उसके बाद इसको कुछ स्पेशल कुछ किया जाएगा इनमें। चलिए देखते हैं कैसा बनेगा ये चीज बस्ट। तो गाइस, अभी इसको स्मोक किया जा रहा है अच्छे से, मलाई की मोमो का चीज बस, चीज बस मोमो। এটা কি কোনটা হচ্ছে? এটা পিজ্জা মোমো। পিজ্জা মোমো বন রহা হ্যায় গাইস। দেখ, ইসকো অন দ ফ্রাই করকে অভি মেয়োনিজ অর সস দিয়া গয়া ইসমে অর এক কুছ সস দিয়া হ্যায় ইসমে। মোমোটা
प्राइस तो रेडी हो गया गाइस बारबेक्यू मोमो, तो टेस्ट करके बताएंगे कैसा इसका टेस्ट है। तो काफ़ी टेस्ट लग रहा है इसका, लुक्स वाइज काफ़ी अच्छा है। ये बन गया है, ये कबीरा जी मोमो, ये फर्स्ट टाइम यहाँ बनाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, बहुत ही पूरा लग रहा है कि पूरा कबीरा जी है। ये रेडी है कबीरा जी मोमो, ये प्राइस बताओ। 90 टका। तो गाइस ये है आपका कबीरा जी मोमो, और ये है आपका बारबेक्यू मोमो, और ये है आपका स्टीम मोमो। स्पेशलिटी ये फ्यूजन मोमो, तो यहाँ देख सकते हैं चिकन मोमो बर्गर, चिकन फ्राइन फ्राइड मोमो, कबीरा जी, ये जो सेक्शन है पूरा ये आपका फ्यूजन मोमो का कैटेगरी में है। जिस चीज़ का वेट था वो हो चुका है, अभी हम लोग के पास मिल गया है चार वैरायटी का मोमो। तो गाइस ये शॉप में फ्यूजन मोमो का काफ़ी डिमांड है, तो हम लोग को बहुत वेट करके लास्ट में अभी मिला है, तो हम लोग सब खाएंगे और आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो हमारे साथ पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो गाइस जैसे देख रहे हैं आप, ये है आपका स्टीम मोमो, ये चिकन स्टीम मोमो है, इसका प्राइस है 60 रुपीज़। ये आपका चीज़ बस मोमो है, इसका प्राइस है 110। ये आपका बारबेक्यू है मोमो, इसका प्राइस है 110। और ये है आपका कबीरा जी मोमो। तो गाइस फ्यूजन कोलकाता में काफ़ी हिट है, और यहाँ पर मोमो के साथ फ्यूजन किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका कबीरा जी मोमो से। तो क्योंकि गाइस कबीरा जी आपका फिश कबीरा जी काफ़ी फेमस है कलकत्ता में, और ये मोमो के लिए बनाया गया है। और देखिए गाइस थोड़ा ऑयली है, लेकिन आपका बहुत क्रंची है, ठीक है, काफ़ी क्रंची है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये उतना हेल्दी नहीं है, लेकिन बहुत क्रिस्पी लग रहा है, देखिए खा के कैसा है। फ्राई मोमो प्लस कबीरा जी का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब फ्राई मोमो तो हम लोग रेगुलर अपना आसपास के शॉप में खाते हैं, लेकिन ये जो कबीरा जी के ऊपर एक लेयर दिया जाता है, उसका जो लेयर है वो एक अलग इसका टेस्ट बढ़ा दे रहा है। तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये कबीरा जी मोमो। एक बार सॉस और मेयोनीज के साथ ट्राई करते हैं, जो स्पाइसी सॉस है इसके साथ डालने के बाद और फ्लेवर बढ़ जा रहा है। तो अगर आपको स्पाइसी और क्रिस्पी चीज़ पसंद है, तो आप इसको आकर जरूर ट्राई कीजिए ये शॉप में। मैं शॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये बारबेक्यू मोमो। तो देख के लग रहा है पूरा अच्छा से सो
क्रॉस किया गया है स्पाइसी सॉस में। तो चलिए देखते हैं, तो बारबेक्यू नाम है सिर्फ बारबेक्यू ना, टेस्ट में बारबेक्यू है। ये अलग कैटेगरी, ये अलग कैटेगरी, दोनों का टेस्ट दोनों बहुत डिफरेंट है। और ये बारबेक्यू सॉस होने के लिए एक बारबेक्यू फील आ रहा है, स्मोकी फील। ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अगर आपको बारबेक्यू मोमो खाना है तो यहाँ पर आके आप जरूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट गाइस हम लोग ट्राई करने वाले हैं ये चीज़ बस मोमो। तो गाइस चीज़ बस जैसे मालूम है आपको, हम लोग पिज़्ज़ा चीज़ बस खा चुके हैं, तो इसमें भी चीज़ का लेयर काफ़ी पूरा भरा हुआ है और पूरा अच्छा से इसको डीप ये किया गया, मतलब स्मोक किया गया इसको अच्छा से, ताकि चीज़ को गला जाए। चीज़ काफ़ी भरा हुआ है, उसका अच्छा अलग फ्लेवर आ रहा है और अंदर का जो चिकन है वो भी काफ़ी टेस्ट लग रहा है इसमें। तो एक बार हम लोग सॉस में डिप करके खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। ये टैंगी सॉस है जो इसमें काफ़ी स्पाइसी है, तो इसके साथ दोनों बहुत टेस्ट लग रहा है। तो आप यहाँ आते हैं तो चीज़ का अगर आपका फैन है तो यहाँ के ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है स्टीम मोमो। तो स्टीम मोमो गाइस हम लोग सब जगह खाते ही हैं, तो इसमें क्या टेस्ट अलग है, चलिए देखें इसे तोड़ के देखते हैं। तो गाइस चिकन का फिलिंग काफ़ी अच्छा से भरा हुआ है, तो 6 रुपीज़ प्राइस में काफ़ी अच्छा है और यहाँ 2-3-4-6 पीस देता है। तो बस कर ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। लाइट एंड बेस्ट, क्योंकि चिकन का अच्छा जूसी है पूरा और अंदर फ्लेवर बहुत बड़ा हुआ है। तो अगर वाव मोमो खाते हैं 70 रुपीज़ देंगे तो उससे मेरे को बहुत बेटर लगा, क्योंकि उसका अंदर का स्टफिंग उतना टेस्ट नहीं लगता है, इसका अंदर का स्टफिंग बहुत टेस्टी है। तो मैं बोलूँगा ज़रूर आइए और खा के देखिए यहाँ का टेस्ट, और अगर पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि और भी हम लोग ऑडियंस आके यहाँ टेस्ट कर पाए। तो अगर वीडियो गाइस पसंद आ रहा है तो वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ आज का वीडियो आपको कैसा लगा पूरा बताइए वीडियो में कमेंट में। और आज तो काफ़ी गर्मी था, फिर भी आपके लिए हम लोग काफ़ी स्पाइसी मोमो टेस्ट करके बताया है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ फ़ैन बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक गाइज खाते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।